माय चैनल। आई होप आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए, नसीब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है। अच्छा जी, अम्मी लोग और भाभी लोग चले गए सी, ये जान तो बाद एकदम सन्नाटा हो गया और बच्चे भी इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे। निमरा भी फिर अली भाई उन्होंने बच्चों ने बाहर लेके गया थोड़ा काम डाउन करने वास्ते, लेकिन मैं इतों ही अपना अगला व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मेरे चैनल पर आने वाले सब ने फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और बेल का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलियो, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे व्लॉग आप बिल्कुल भी मिस ना करो। अच्छा जी फ्रेंड्स, फोन में चली सी किचन के बिच, क्योंकि भाभी अम्मी लोग इन्ना सारा मिठाई और फ्रूट्स लैके आए हैं, तो असी सोचा कि असं सब तकसीम कर दें। कार रखने वालों अच्छी गल है कि सब दे पेट में जाऊगा, सारे सानू भी दवा देंगे और भाभी हुनी लैके आए, अम्मी हुनी लैके आए और सब उन्होंने भी दवा देंगे। हम जल्दी के नाल चलते हैं किचन के बिच। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके थे किचन में वापस, क्योंकि इतना सारा फ्रूट भाभी लोग लेके आए थे, तो अम्मी कह रही थी कि मतलब ऐसा करते सबको ना बाहर ना तकसीम कर देते हैं। तो अभी अम्मी भी बैठी हैं यहाँ पे, तो हमने कहा जो जो चीजें जिधर इधर भेजनी है ना वहाँ ना इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं स्पेस, जो जो जिसको देनी ना ये जो चीजें भी इधर डाल लेते हैं, फिर रिमशा और ना लीजा जाके ना फिर सब लोगों को देके आएगी। अम्मी चल मिनट दसो हसन, ये आप ले जाओ, ये आपने अपने घर देके आनी है, ठीक है, चल ले जाओ जल्दी से, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अम्मी कह रही है कि आप चले जाओ रमशा के साथ, तो सबके घर सबसे सबके घर में ना जाके दे दो, ताकि किसी का घर रहे नहीं और ना ही कोई हमसे गिला करे इंशाल्लाह ताला। तो अभी बहुत अच्छे से पोर्शन बना लिए हैं, पता है किसको कितना कितना देना है, तो अभी जी ऊपर से कवर करते हैं और रमशा आ जाओ। हां जी, किथे जाना रिमशा सब तो पहले तेलिया घर से चुरा शिकार दा दिसिया घर। अच्छा उधर ही साइड से जाना, उस मोहल्ले मैं कैसे, इस मोहल्ले में तेरे ना दिला देनी, उस मोहल्ले से तू आप ही दे जाना। चलो फिर तुसी, हां तू उस मोहल्ले दे, क्या मैं इस मोहल्ले से मैं तेरे ना दिला दूंगी, पता वो उधर बहुत दूर है, तो फिर मैंने रिमशा को कहा आप उधर दे आओ, तो इधर गली में ना इधर भी और इधर भी ना मैं खुद ही दे देती हूं। हां जी सभी अल्लाह दी अम्मा। हां हेलो आंटी फरत जी, थोड़ा जिया साडे बोलो ना फ्रूट अम्मी हुनी भाभी हुनी लेके आए सीगे, ते मैं क्या चलो सारे नु ते अच्छा ना आंटी इनु ना चाबी विच कड्डो, चाबी इथे ले दा, ताकि फिर है ना वो अगे फूफो ना नु दे ना। अच्छा आ रे आ चाबी भरा, ठीक शमैला माशाल्लाह जुत्ती इतनी सोहनी, तेरे पैरा च बहुत सोहनी प्यारी लगी है जुत्ती, तू सारी सोहनी है माशाल्लाह। हां थैंक यू आंटी फरत, और मेरी तारीफ कर रही आंटी फरत। नहीं नहीं, तो बहुत सोहनी है माशाल्लाह, मेरा मैस देख कुत्ता भी सोहना है माशाल्लाह, ना जोड़ियां सलामत रखे ना करा शमैला, तेरा मत्था चमकनी कोई पाई नहीं, बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका था और जी अभी हम आए थे बाहर और देखे फ्रेंड्स गांव में एक कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ है, ये काफ़ी जगह पर ये माहौल तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे गांव में अभी भी है, देखे लोग आते हैं चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, मतलब कुछ भी रिलेटेड हो, जैसे फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, और इसके अलावा जैसे मतलब के कपड़े वगैरह हो, बर्तन वगैरह हो, तो फिर वो ना आवाज़ लगाते जिस जिसको चाहिए, फिर वो लोग आके ले लेते हैं। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे अब्दुल्ला और माना गए थे पैसरे और वहाँ से लेके आए हैं सामान, आप लोगों को पता है कि वो सुबह जा रहे हैं, अभी सारी पैकिंग पैकिंग करते हैं। अच्छा अली भाई भी साथ में गए थे, ये देखिए ये अली भाई है, हेलो अली भाई। अभी सारा सामान लेके चलते हैं और जल्दी से करते हैं पैकिंग वाला, फड़ ला अब्दुल्ला चल आ जाए, चलो लाइट अभी तक नहीं आई तो पैकिंग कैसे करेंगे मामी, नहीं भैया इतने सही है मामी जी, ठीक हो कि नहीं, नहीं फर्क पिया। एक्चुअली मामी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी, पता नहीं सर्दी लग गई है, तो अभी ना मैं पूछ रही थी कि ठीक है आप, अंदर लाइट बंद है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सारे बैग हम यहाँ पे ले आए और मैंने चार पे बिछा लिए, एक एक बैग ऊपर रखते जाएंगे और पैक करते जाएंगे, और इसलिए ईजी भी होगा। चलो भैया, भैया कहता लो मैं रखता, चलो जो कपड़े मेरे स्टिच हुए हुए हैं ना, तो वो भी मैंने कहा मैं अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान के हाथ भेज देती हूँ, जो जो चीज़ें हैं वो चली जाए, जो फिर जब मैं जाऊंगी, जब जो चीज़ें और बनेगी फिर मैं वो ले जाऊंगी, अगर भाई लोगों को कुछ चाहिएगा तो फिर मुझे बता देंगे, फिर मैं ले जाऊंगी। ये है जी हाथ की बनी हुई सेवइयां मैदे की हैं, और इनको अच्छे से बना के पहले सिका के फिर इनको भुना हुआ है, और ये भी हम साथ लेके जाते हैं, ये मीठी बनाई नमकीन बनाई बड़ी मज़ेदार बनती है, और यहाँ पे जी हसन है ना बैग में डाल रहा है, हसन दो बैग में कर लेते हैं बस का, एक बैग को अब इस वाले में डालिए, ले दो बैग बन गए, और अभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना चाय पिए जाए, अंदर आ जाओ, और ये ले लिए अभी गर्मा गर्म चाय बनाई है मामू, साथ
हूँ चाहिए कलर सही है। इतने पीस कर लो कि सबको एक एक पीस आए। देख लो आप कप गिन लो कितने ये 8 कप का और 8 स्लाइस होने चाहिए एक एक पीस का है। तो बाकी जैसा कि हम इसको हम हाफ हाफ कर सकते हैं ये बैग सारे मैंने रेडी कर दिया और खुद मैं अभी आके बैठ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे जी लगी थी बहुत तेज भूख। सुबह मैंने सिर्फ नाश्ता किया था, किस चीज़ का किया था, सिर्फ चाय और ना केक रस का। तो अभी यहाँ पे मैं चावल गर्म करके दही भल्ले और साथ में लेके और चार जल्दी से खा लेते क्योंकि भूख बहुत लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शाह आ गई हो आंटी फरतुल के बाजी ना प्लीज आ खा के आई बहुत भूख लगी है। मैं ना चावल खा के मैं फिर जानी हूँ। ये जो 3 बैग है इनका वजन कर लिया है और बिल्कुल परफेक्टली 50-50 पाउंड है। थोड़ा थोड़ा कम ही रखा है ताकि वहाँ पे खोलना ना पड़े। और अभी ये लास्ट वाला बैग से ये रेडी करने हैं। इस बैग को इसलिए रेडी किया क्योंकि ना इसमें ना फिर खाने पीने की चीज़ें रखी हैं जैसे बाकर सनिया केक रस वगैरह। और ये वेट चेक करने वाला हम कहीं से लेके आए, पता नहीं कहाँ से लेके आए, परफेक्ट वेट हो जाता है। अच्छा जी फ्रेंड, सारा सामान एकदम से ना फिट हो गया है गाड़ी में। 2 अब्दुल्ला के बैग हैं, 2 अब्दुलरहमान के, एक एक उन दोनों का कैरी ऑन है और पीछे पहनने वाला बैग है। अबू जी पीछे करो, इन्हें बंद कर दिया है, मेरा पीछे पीछे बंद कर दिया ताकि अच्छे से बंद हो जाए। अबू जी 1 2 3 चलो जी अभी दरवाज़ा खोलते हैं। अगर अली हसन को चाबी मिल जाए राइट वाली। अली भाई और भाभी भी वापस आज रहीम यार खान जा रहे हैं तो वो उनको फैसले उतार देंगे तो फिर वहाँ से बस लेके तो वो रहीम यार खान के लिए निकल जाएंगे और भैया लोग इन शाला तला आ गए एयरपोर्ट की तरफ। सब आएंगे फिर लव करने के लिए, एक आएंगे ना बड़ा इमोशनल लगता है। आज अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान, अली भाई और भाभी लोग भी जाएंगे, साथ में अबू भी जाएंगे तो एकदम ना घर में सन्नाटा सा हो जाएगा। आपको पता है घर में से एक भी बाहर चले जाए ना तो इतना ज़्यादा फील होता है। तो अबू लोग सब लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा फील हो रहा है। हाँ जी अबू जी, अबू जी इन्हें भी नाल लेके जाना है। अबू के तो बगैर नहीं भाई रह सकते। ठीक है अबू ने कहा है ना अबू आते हुए लेके आएंगे। अभी जी गाड़ी बस बाहर निकाल दी है। पेपर वगैरह सारे चेक कर लेना फिर आपको पता घर से जब निकल जाए तो फिर बंदे को टेंशन नहीं होती है। एक दो अच्छे से चेक कर लेने चाहिए। ओके भैया अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह ताला खैरियत ना जायो। मानी मानी तेरा बैग, मानी मानी तेरा बैग। ओके भाई अल्लाह हाफिज। मैं इधर साइड पे खड़ी हूँ ताकि सबको मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, सबके एक्शन रिएक्शन। ओके ओके भाभी थैंक यू सो मच, जजाकल्ला बहुत मजा आया। खैरियत ना अल्लाह पाक सबनो लेके जाए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैरियत ना लेके जाए इंशाल्लाह ताला। आगे कर ला थोड़ी जी गड्डी है बड़ी भैड़ी नहीं आगे कर के तेरे से प्रूफ में करवादा फोन में जितना भी करवादा खोल ले फिर दोबारा दोबारा मिलन ले यार आ गया हम चलो बाबू अच्छा वाइज बाय अगले साल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अगले साल हो बस कर कोई नहीं अल्लाह अल्लाह से भाई लोगों को भी और भैया भाभी को भी रहीम यार खान इंशाल्लाह सब गांव वाले आए थे सीन ऑफ करने के लिए। जी जी हम जा रहे हैं, बस वो देखो अबू आते ना फिर हम जाते हैं।